आज हम लोग पहले फार्म विजिट करते हैं और उसके बाद अभी अभी फार्म में पीपीआर बीमारी का प्रभाव था तो 6-7 बकरियों की मौत भी हुई उसमें, और उसके बाद जो है उसको बचाने की कोशिश की गई। उसमें अख्तर जी एक थे, उन्होंने काफ़ी मदद भी की है। और अभी फिलहाल जो है हम लोग उस पर नियंत्रण पा चुके हैं। एक बार पहले फार्म विजिट करते हैं हम लोग और देखते हैं कि कौन कौन अफेक्टेड था और उसको कैसे हम लोग रिकवर किए। ये बकरी अफेक्टेड नहीं हुई थी। इसमें जो ये सबसे पीछे बैठी है ये अफेक्टेड थी और इसका भी ट्रीटमेंट किया गया है। ये बीच वाली भी अफेक्टेड थी, इसका भी ट्रीटमेंट किया गया है। तो अभी इन दोनों में भी सुधार है और ये दोनों लगभग रिकवर कर चुकी है। आगे हम लोग देखते हैं। अभी ये सब तो ठीक है, देखते हैं। ये वाइट वाली जो बैठी है ये बैडली अफेक्टेड थी और ये अभी रिकवर कर चुकी है, लेकिन पूरी तरह से रिकवर नहीं की है। इसको अभी 4 दिन से लगातार डोज पड़ा है मेडिसिंस का, तो लेकिन अब ये लगता है ठीक हो जाएगी। आगे हम लोग और देखते हैं जो जो अफेक्टेड थी। ये जो नहीं, ये भी नहीं है। हाँ, ये जो खड़ी है ब्राउन कलर की, ये ब्लैक वाली जो बड़ी वाली है ये भी अफेक्टेड थी, और वो कोने में वाइट वाली जो खड़ी है वहाँ पर हम लोग जाएंगे। कैमरा को थोड़ा वहाँ करिए। तो ये इसमें हम इन बीमार बकरियों को रखते थे, जो जो बीमार थी उसको अलग करके रखते थे ताकि बाकी जो है उसमें नहीं फैले, अलग सेपरेट करके रखा जा रहा था। ये वाइट वाली देखिए जो अभी बैठी हुई थी वहाँ, वो अभी पानी भी पी रही है। तो पीपीआर में मुंह में एक्चुअली छाला हो जाता है, तो इस कारण से अफेक्टेड बकरी खाना नहीं खाती है, तो उसको अलग से हम लोग इंजेक्ट कर रहे थे। ये जो बैठी हुई है ये भी पीपीआर अफेक्टेड थी, ये देखिए ये बुरी तरह अफेक्टेड थी, लेकिन अभी ये रिकवर कर चुकी है, इसीलिए इसका अभी गर्दन जो है उठा हुआ है, नहीं तो हेड डाउन रहता अभी। ये देखिए ये बकरी भी अफेक्टेड थी, लेकिन ये काफ़ी अच्छा हो चुकी है। और ये जो है ये फीमेल गॉट है और ये भी पीपीआर अफेक्टेड थी, ये भी ठीक हो चुकी है, अभी खाना भी खा रही है। ये वाइट वाली बुरी तरह से अफेक्टेड थी, ये मेल गॉट है जो 35 नंबर है, तो ये भी रिकवर कर रहा है और उम्मीद है कि सब रिकवर कर लेगा। बस जो बीमार है उसको इमीडिएट आप फार्म में सेपरेट कर दें, जैसे ही कुछ पता चलता है ऐसा। इसमें मेरे तरफ से थोड़ा डिले हो गया जिस कारण से 6-7 की मौत हो गई, लेकिन उसके बाद जब पता चला तो कोशिश करने से पीपीआर अफेक्टेड भी रिकवर हो जाता है। मुश्किल काम है थोड़ा, और इसमें जो है रिकवरी का परसेंटेज बहुत कम रहता है, 70-30 का रहता है। ये देखिए जिसको पीपीआर हुआ था उसका जो मल है वो कैसा होता है, जो पीपीआर अफेक्टेड बकरी गोबर करती है वो देखिए एकदम पतला, और आप गौर से देखेंगे तो आप देखते उसमें ब्लीडिंग भी आता है। तो ये इंजेक्शन चलाए थे हम, ये 2 टाइम देते थे जो जो अफेक्टेड थी, 6-7 थी हमारे, 7 अफेक्टेड थी उसको हम अलग करके, ये इसका 3 ग्राम वाला है, ये इसका 2 डोज बना करके देते थे, एक सुबह एक शाम 2 बार। उससे पहले ये हम सेल्बेक्टम वाला चलाए थे 2 दिन, ये उतना इफेक्टिव नहीं रहा क्योंकि काफ़ी लेट हो चुका था हमारा, तो उसके बाद हम वो चलाए थे। तो अभी हम लोग और देखते हैं। और उसके बाद डेली फाइलन दे रहे थे डेली, और ये भी अच्छा है, जो बकरी कमज़ोर हो जाती है तो फिर हम लोग उसके बाद पॉलीवियन दिए थे, ये कमज़ोर बकरियों पे काफ़ी असरदार होता है, और अभी भी इसको दे ही रहे हैं रिकवर होने के बावजूद, डेली एक दे देते हैं। ये एगल ग्रुप का है, ये किसी तरह का रिएक्शन को कंट्रोल करने के लिए है। और साथ में ये तो बहुत अच्छा है एंटीबायोटिक, क्यूरेक्स करके जो आता है, कीटोप्रोफेन एंड एंड्रोफ्लोक्सासिन। पेट खराब जिस बकरी का, पेट तो इसमें खराब हो ही जाता है सारी बकरियों का, तो ये उसमें काफ़ी इफेक्टिव रहता है। और यदि ये भी साथ में हम लोग चला रहे थे जिनको जिनको फीवर नहीं था, फीवर होने पर इसको नहीं चलाना चाहिए, ये फीवर को और बढ़ा देता है। तो
ये उसके साथ था, इसमें बी कॉम्प्लेक्स भी है, तो ये भी इफेक्टिव रहता है। तो ये 1 ml पर गॉट को हम लोग दे रहे थे, क्योंकि एवरेज साइज का गॉट था, बहुत बड़ा भी नहीं था, बहुत छोटा भी नहीं था। उसके बाद हम लोग जो है, जो अफेक्टेड नहीं, जैसे किसी का पेट खराब हो गया था, तो ये ओफोर्ड जो अफ्लोक्सासिन एनोर्डिनेट जो बोलस जो है, ये ओफोर्ड का, ये एक बोलस को 4 पार्ट में करके एक बार में दे देते थे हम लोग अलग अलग बकरियों को, 4 भाग करके, एक भाग एक बकरी का। और ये इनिशियल स्टेज में किसी को सर्दी वर्दी है तो ये कैटकप चटाना चाहिए, इससे ठीक रहता है। अफेक्टेड को नहीं देना है, जो बकरी अफेक्टेड हो जाए उसको ओरली कुछ नहीं देते हम लोग, क्योंकि उसके गले में सूजन हो जाता है, मुंह आ जाता है, जीभ में छाला हो जाता है, तो ओरली कुछ नहीं खाता है। लेकिन जो हेल्दी गॉट है उसको ये लगातार हम लोग खिला सकते हैं, और उसमें लिखा है कि आप कैम्फर मिला करके खिलाइए। देखिए यहाँ लिखा हुआ भी है उस डब्बे पर, कैटकप नाम से आता है, MRP 180 है इसका, और ये पर 100 ग्राम में कैंपर का था मिला देने के लिए। लेकिन कैंपर मिला करके कभी भी प्रेग्नेंट गॉट को नहीं देना चाहिए, जो प्रेग्नेंट नहीं है आप उसको कैंपर मिला करके खिला सकते हैं, तो ज़्यादा फायदा करता है। कपूर जिसको बोलते हैं, कपूर मिला करके खिला सकते हैं, लेकिन प्रेग्नेंट गॉट को नहीं देना है। प्रेग्नेंट गॉट को बिना कपूर मिलाए आप दे सकते हैं। ये था डेरिफाइलिन, ये तो टेबलेट है, इसका एक्चुअली हम लोग वाइल चलाए थे, तो ये, और ये डेक्सोना है, ये एंटीबायोटिक के बाद ये भी चल रहा था, सर्दी खांसी और नाक से पानी बहना वगैरह सब, ये भी इफेक्टिव दवाई है, ये सही सही सस्ते रेट में बढ़िया दवाई है, तो एंटीबायोटिक के साथ इसको चलाने से भी ठीक रहता है, अच्छा रिजल्ट इसका देखने के लिए मिला है। और ये तो हम चलाए थे काफ़ी, और ये दवाई है, ये तो हम बता चुके हैं आपको, बी कम्प्लेक्स का है, विटामिन लीवर एक्सट्रैक्ट है, 1 ml दे रहे थे पर गॉट। और ये क्यूरेक्स है, ये बहुत अच्छा एंटीबायोटिक है, और पेट खराब हो बकरी का उसमें भी बढ़िया काम करता है, ये सब चला सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि PPR अफेक्टेड गॉट जो है वो बिल्कुल रिकवर नहीं होगा, आप कोशिश करते रहेंगे। हम अपनी बात बताते हैं, हमारा तो ऐसा लेट हो गया थोड़ा सा, और 4-5-6 मर गया था, हम तो लग रहा था कि PPR को रिकवर नहीं कर पाएंगे, लेकिन उसमें कोशिश करने से हो गया, और लगातार 4-5 दिन काफ़ी परेशान रहना पड़ा, एक एक गॉट को 6-6 7-7 इंजेक्शन एक बार में देना, वो बकरी भी परेशान हो रही होगी, और उसको लेकिन देना था बचाने के लिए। तो अभी तो कम से कम इतना दिख रहा है कि अब कोई मरने वाली नहीं है, कमज़ोर हो गई है थोड़ा, तो उसको हम लोग ठीक करेंगे और ठीक हो जाएगी।